हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? भाई हम जा रहे हैं दिल्ली हट्स, मैं तुम्हारा भाई निक्कू और गौरव निक्कू व्लॉग्स पे। तो भाई अभी हम पहुंचे हैं पीरागढ़ी के फेमस जाम में, रेड लाइट पे खड़े हैं हम फिलहाल। अब हमें राइट मुड़ना है और हम चलेंगे जनकपुरी की तरफ। जनकपुरी में है दिल्ली हट। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई दिल्ली हट में। इधर पार्किंग में हमने कार खड़ी करी है, वो खड़ी हमारी गाड़ी, ठीक है। पार्किंग कुछ यहाँ पे ऐसी दिखेगी आपको। अभी हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे कि भाई क्या सिस्टम है, एंट्री कितने की है और क्या क्या है अंदर। तो केजरीवाल को तो वोट दे के खराब करिए। हाँ तो भाई हमने चेकिंग करवाई इधर से और उधर से, आपने देखा मैंने दिखाया था। अब 20 रुपये की एक बंदे की टिकट लगी है और इधर से चेकिंग होके अंदर घुसने दे रहे हैं। तो भाई अंदर से कुछ ऐसा है दिखने में, एंट्री तो यही है, आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए पीछे से मैं दिखाता हूँ आपको। देख उधर फूड कोर्ट दिखा रखा है, एमपी थिएटर सामने, शॉपिंग जोन सामने, क्राफ्ट सिलेक्शन सामने। अच्छा तू यहाँ गाएगा फिर? हैं नहीं गाएगा भाई, देख लिया था मेरे भाई। अच्छा ये स्टेज है, यहाँ पे कितने लोग बैठ जाते हैं? यहाँ परफॉर्मेंस होती है। अच्छा किस टाइम चालू होता है वो? ये 5-4 बजे सर। तो 5 बजे में भीड़ लग जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो तेरे को मतलब बोलनी पड़ेगी क्राफ्ट सिलेक्शन। अच्छा गाइज जो मैंने अभी आपको जगह दिखाई वो स्टेज थी जहाँ पे आप गाने वाने गा सकते हो, पब्लिक देखेगी आपको। 4 बजे के बाद होता है वो प्रोग्राम। और ये अभी हम फूड कोर्ट में जा रहे हैं, आप देख लेना। गाइस दिस इज फूड कोर्ट, ये फूड कोर्ट है और इधर बहुत सारे बंदे बैठ सकते हैं। इतनी सारी जगह यहाँ पे, मतलब यहाँ पे चाइनीज मिल जाएगा आपको, डोसा वगैरह टाइप। गाइज अभी अब जहाँ पे आपने देखा ना हम जहाँ घूम रहे थे वो पुल था, इसके ऊपर एक पुल है, आप उस पर घूम सकते हो। इधर बहुत सारे मतलब बंदर दिखे जाएंगे आपको, लड़के लड़कियाँ घूमते हुए, टिकटॉकर्स दिख जाएंगे, टिकटॉक वाले बहुत जने इधर घूमते हुए। जैसे ये पुल दिख रहा है ना आपको, ऐसे पुल पे आप घूम सकते हो। इधर सही है यहाँ पे घूमना, घूमने का मज़ा भी आ रहा है। और
यहाँ पे आपने देखा शॉपिंग सिलेक्शन है, मतलब क्राफ्ट सिलेक्शन, शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे, ज़्यादातर लड़कियों का सामान जो नेकलेस वगैरह होता है वो ले सकते हो। और किड जोन है यहाँ पे, 100 रुपये का पास लेके आप बच्चों का पूरे दिन का पास का जुगाड़ कर सकते हो, बच्चों की प्ले जोन का 100 रुपये में पूरे दिन का पास का जुगाड़ कर सकते हो, पास मिल जाएगा आपको जिसमें उनको फ्री राइड्स मिलेगी पूरे दिन के लिए, पूरे दिन वो अपना झूला वगैरह झूल सकते हो। यहाँ पे फूड कोर्ट है जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो। अभी हम आगे फिलहाल मेन एंट्री पे, और जो आपने देखा ना वहाँ पे जहाँ पे मतलब म्यूजिक बज रहा था वो स्टेज है, वहाँ पे आप अगर गाना वाना गाना चाहते हो या डांस वांस करना चाहते हो आप कर सकते हो। उधर अपना गौरव भाई आज गाना गाएगा, उधर गौरव का प्लान है। कौन सा गाना गाएगा भाई? सच्चियां मैं बता नहीं पाऊंगा, और सोच ना सके, सोच ना सके और सच्चियां मोहब्बत निभाऊंगा गाना गाएगा गौरव। और गौरव का फ्रेंड है, मैं भी उससे मिला था, वो भी गाना गाएगा। और देखते हैं भाई ये कैसा गाना गाता है, पब्लिक ताली बजाती है नहीं बजाती इसके लिए, क्यों भाई? और आप बताना भाई, अगर ये गाना गाएगा ना आपको मतलब सही लगेगा तो बताना भाई गाना पसंद आया नहीं या नहीं आया इसका गाना, कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी गौरव किस टाइम का प्लान है फिर? अभी बस स्टार्ट होने वाला है, आप वहीं चलते हैं तो। स्टार्ट होने वाला है तो फिर मतलब वहाँ पे इधरा नाम लिखवाना पड़ता है ना, ना वहाँ उसके आसपास चलते हैं इधर, नाम तेरे को नाम लिखवाना पड़ेगा वाले जाके तू गाना गाएगा, बोलना पड़ेगा। या तू मतलब उस डीजे वाले को सिंपली जाके बोल देगा कि भाई मैं गाना गाऊंगा ये वाला कैरियो के चला दे। अच्छा सिंपली बोल देगा, फिर तू कैरियो के बता देगा, वो कैरियो के चला लेगा और वो तेरे को माइक दे देगा और तू गाने लग जाएगा और पब्लिक चीयर्स चलेगी। चल ठीक है, सही है, चल देखते हैं। गाता है भाई, ये बंदा अच्छी गाता है, अभी गा के सुनाएगा। हाँ तो भाई, भाई ने गाना गाया, बता कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? बहुत अच्छा फील हुआ भाई। दिल के तार खुल गए। हाँ दिल के तार खुल गए भाई। गाना कैसा लगा ना भाई, बताना इसका। मैं हूँ डॉन। Maria, 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 Ma
तुमने देखा इधर का क्या सिस्टम है, मतलब बंद है ना इसमें जो ये चल रहा है, क्या बोलते हैं भाई इसको जो ये चल रहा है, सॉन्ग है गजल आज जो भी है, मतलब इस पे भी बंदे हिप हॉप पर डांस कर रहे हैं भाई, तुमने देखे ना, मैंने तुम्हें दिखाया। और मतलब यहाँ पे ये सिस्टम है भाई, तुम यहाँ पे गाना गा सकते हो स्टेज पे, तुम्हें डर लग रहा है तो अपना डर खोल सकते हो यहाँ पे। तो भाई तुमने देखा ना दिल्ली हट में मतलब क्या क्या होता है, टाइम पास के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप टी एस एंडे है, आप यंग हो तो आ सकते हो, मतलब पेरेंट्स को मत लेंगे ना, तुम यंग हो तो आ सकते हो यहाँ पे, मतलब कॉलेज लाइफ की तरह फील होता है। और भाई ने देखा गाना गाया, कमेंट करके बताना भाई का गाना कैसा लगा है ना, और गौरव बताएगा बाकी दिल्ली हट के बारे में। गाइस मैं 2 से 3 बार आ चुका हूँ, बहुत ही मजा आता है यहाँ पे, माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल, टेंशन जितनी माइंड में होगी आप सारी टेंशन भूल जाएंगे। और क्या कहते हैं आप सिंगिंग यहाँ पे, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, एक्टिंग होती है, सब कुछ फुल पैकेज है गाइस यहाँ पे। डांसिंग की वीडियो भी आपने देखी, मतलब डांस भी होता है इधर, फुल पैकेज है गाइस। हाँ, और कैंटीन भी मैंने आपको दिखाई थी, कैंटीन में मैंने खाना तो खाया नहीं, पर कैंटीन में तूने खाया गुरु? नहीं, पर अच्छा ही पाएगा क्योंकि खुशबू आ रही थी वहाँ पे सही सी। और क्राफ्ट्स में मतलब उधर एक टैरो कार्ड रीडर भी लेडी बैठी हुई थी, मतलब कार्ड लगे हुए थे, दिखने में अच्छा लग रहा था। मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये क्या है, बोली टैरो कार्ड रीडर, आप अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हो, मैरिज के बारे में, लव लाइफ के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, कैसा चलेगा। मैं तो भाई मैं इन चीज़ों में नहीं फंसता, पर मैं बता रहा हूँ आप चेक करो, तो करवा सकते हो, कोई फायदा तो नहीं है, वहम घुसा देते दिमाग में। फ्यूचर फ्यूचर किसी को नहीं पता होता, तुम्हारे हाथ में होता है फ्यूचर लिखना, ठीक है। और यहाँ पे मतलब यार ग्रुप में आओगे तो अच्छा है, अकेले आओगे तो भी अच्छा, क्योंकि अकेले आओगे ना तो यहाँ पे फ्रेंड तो मिल ही जाएंगे तुम्हें। हाँ, ग्रुप्स में बंदे होते हैं तो उनके टिकटॉक बना सकते हैं, मैंने खुद एक वीडियो बनाई थी टिकटॉक की, मैं वो भी अब वीडियो के एंड में डालूंगा, आप उसको देख लेना। मैंने नए फ्रेंड्स मिले थे, मैंने उनके साथ टिकटॉक वीडियो बनाई और मजे किए, मतलब हम कितने बंदे हो गए थे टोटल मिला के, 8 से 10, 12 तक बंदे हो गए थे हम, और मतलब मौज की, हमने हम 2 ही बंदे गए थे। हाँ, तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना निक्कू व्लॉग्स को, तो थैंक यू सो मच, बाय। मैं तो जुआ खेलने आया था, अगर तुम जुआ छोड़कर गोलियों का धुआं देखना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ।